हेलो नमस्ते दोस्तों, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंपल तरीके से तुम्बा लौकी का हलवा। हलवा बनाने के लिए लौकी हमने मार्केट से नहीं लाई है, हमारे घर में ही बेल लगा रखी है, तो हम उसी से लौकी तोड़ेंगे। अब मैं लौकी तोड़ती हूँ। ये तोड़ ली है हमने लौकी, और देखो कितना अच्छा लग रहा है ये फल। हम किचन में आ गए हैं और लौकी को हम धो लिए हैं। अब इसका छिलका उतार के और कद्दूकस करेंगे, और इसका हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है, गोल तुम्बा लौकी का, और बहुत ही फायदेमंद रहती है ये लौकी। चलिए पहले इसके छोटे छोटे पीस बनाएंगे, फिर इसका छिलका उतारेंगे। गोल लौकी छीलने में बहुत तकलीफ आती है। देखिए कितनी अच्छी निकली अंदर से भी। ये हम इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, अब इसको छिलका उतारेंगे, और ये अंदर के बीज हैं, इनको निकालेंगे, अलग करेंगे। छिलका उतार रहे हैं, और बिल्कुल पतला छिलका उतारना है, ये बहुत सॉफ्ट लौकी है। देखिए कितनी आसानी से उतर रहा है ये, ऐसे पूरे पीस हो गए, छिलका हटा देते हैं। देखिए हमने पूरा छिलका हटा दिया इनका, सभी पीसों के। देखिए हम इसका अंदर का ये पार्ट निकाल दिए हैं, अब इसको एक बार और वॉश कर लेते हैं। ये देखिए हम इसको दोबारा से वॉश कर रहे हैं। चलिए हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं, आप इसको उपवास में भी बना के खा सकते हैं। चलिए लौकी हमारी कद्दूकस हो गई है, हम इसको अब पैन में पकाएंगे। चलिए गैस ऑन करते हैं। ये देखिए हमने एक कप दूध का लिया है, सबसे पहले इसमें दूध डालेंगे। अब इसमें ये कद्दूकस करी हुई लौकी डालेंगे। देखिए हमने पूरा पैन में डाल दिया है लौकी को। और दोस्तों हम भी बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं हम। इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकाएंगे। चलिए 5 मिनट हो गई है, अब ढक्कन हटा के देखते हैं लौकी हमारी पक गई है क्या। देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो गई है ये, इसको 5 मिनट के लिए और ढक के पकाना पड़ेगा। हलवा में डालने के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो हम आपको बताते हैं। ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है ये पिस्ता लिए हैं, ये काजू है, ये बादाम लिए हैं, ये किशमिश है, और हम बाकी ये चीजें लिए, ये केसर का दूध लिया है, केसर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा कलर आएगा। ये 250 ग्राम खोआ लिया है, ये 250 ग्राम शक्कर लिए हम, ये 2 चम्मच घी के लिए हम, देसी शुद्ध घी है ये इलायची दाने लिए हैं। चलिए ड्राई फ्रूट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। 5 मिनट हो गई है, हम इसको देखते हैं। देखिए इसका पानी पूरा खत्म हो गया है। इसमें हम केसर वाला दूध मिलाएंगे, इससे कि कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसमें केसर वाला दूध डाले थे, 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, जब तक हम खोआ को गर्म कर लेते हैं हल्का सा। दूसरा पैन लिया है, गैस ऑन करते हैं, खोआ को हल्का सा गर्म करेंगे। चलिए इसमें 2 चम्मच घी के लिए है जो डालते हैं पहले।
अब इसमें खोआ ऐड करेंगे। देखिए हम खोआ को थोड़ा सा ही पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे। देखिए खोआ हमारा पक चुका है, कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। चलिए इसमें हम खोआ ऐड करते हैं। और इससे खोआ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इससे खोआ हमारा अच्छे से ऐड हो गया है और इसको और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। खोआ डालने के बाद में खोआ हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें अब शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको 2 मिनट के लिए और पका लेंगे शक्कर डालने के बाद में। देखिए हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। देखना कितने अच्छा दानेदार हलवा बना है ये इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। ये काजू है, ये पिस्ता है, हमने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। ये बादाम है, ये इलायची पाउडर है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखो ये साइडों में से घी छोड़ने लगा है। ये तो सर्व करते हैं। कुंभा लौकी का हलवा बनके तैयार हो गया है। इसको अब हम सर्व करते हैं। आप चाहो तो इसको 2 घंटे के लिए ठंडा करके खाओगे फ्रिज में रख के, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका और भी ज्यादा। और बहुत ही अच्छा बना है ये। और दोस्तों हम ही बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका से बनाया हमने। और प्लीज जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।